कि आपको पता है कि 80-20 नियम क्या होता है। अक्सर ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि 80-20 नियम क्या होता है, तो इसके बारे में आप जानिए, बहुत ही इजी वे में बताऊंगा, आपको हमेशा याद रहेगा, जब तक आप मतलब कभी भूलोगे ही नहीं। हम सभी एक ऐसी लाइफ की चाहत रखते हैं जिसमें सब कुछ परफेक्ट हो, शरीर भी फिट रहे, मन भी साफ रहे, और आपका मन नियंत्रण भी रहे, डाइट हेल्दी बनी रहे, खुशहाल जिंदगी रहे, जिंदगी का आनंद भी आप उठा लें। लेकिन इस चाहत को पूरा करने के लिए जो प्रयास हम करते हैं, अक्सर वो बीच में छूट जाते हैं। हम लोग पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं कि ये करना है, वो करना है, सब बीच में छूट जाता है। तो ऐसे में अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको एक बेहतरीन लाइफ मिल सके, तो इसके लिए आपको 80-20 नियम ज़रूर अपनाना चाहिए। अक्सर लक्ष्य पाने के लिए 100% और अनुशासन को अपनाते हैं, लेकिन 80-20 नियम का जो नियम है ये बताता है कि आप 80% अपना ध्यान केंद्रित करो जो आपका गोल है, और बाकी 20% में आप मस्ती करो, घूमो फिरो, जो भी करना है वो करते रहो। अगर आप चाहते हैं कि फिटनेस पाने का, अगर आप फिटनेस बना रहे हो, उसमें आप चाहते हो कि मैं हमेशा फिट रहूं, तो उसके लिए आपको 80-20 नियम को अपनाना होगा। आप 80% अपने डाइट पे ध्यान दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, 20% में आप जो भी आपको मन करे, जो नहीं खाना चाहिए आपको एक्सरसाइज के, जब भी आप अपने बॉडी स्टडी बनाते हो वो भी खा सकते हो 20% में, तो आपका बॉडी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज शुरू किए हो तो जोश जोश में आके शुरू कर दिए, फिर 5 दिन बाद उसको बंद कर दिए, लेकिन उसे लंबे समय तक अगर रखना है तो आपको 80-20 नियम को अपनाना होगा। लेकिन किसी दिन छुट्टी भी लेना ज़रूरी हो जाता है इसमें, क्योंकि अगर आप 80-20 नियम को अपना रहे हो तो आप 4-5 दिन तक एक्सरसाइज करो, फिर 1 दिन रेस्ट करो, उसमें आ जाएगा ये 80-20 नियम। मतलब 80% आप एक्सरसाइज के, 20% में आप रेस्ट कर रहे हो, फिर देखो आपका हमेशा नियम बना रहेगा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो, कुछ मैनेज करना चाहते हो टाइम को, कि कैसे पूरे दिन का यूज़ करना है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो 80-20 नियम को। अपने दिन का 80% समय सबसे अहम कामों में लगा दो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपका मेन काम है उसमें 80% लगा दो, और बाकी का जो 20% है उसमें आप जो करना है करो, घूमना है, जो भी मस्ती करना है उसमें करो, वो आपका टाइम मैनेजमेंट भी बढ़िया से हो जाएगा। अगर मान लो कि अपने शरीर के लिए, मन के लिए अगर तुम लगा रहे हो अपना नियम, कंट्रोल करना चाहते हो अपने मन को, तो अपने मन को सकारात्मक से भरने के लिए आप काम बेहतर तरीके से करो, और उसी को आपकी सेहत और जीवन बेहतर बना सकता है। इसके लिए कोशिश करो कि 80% सकारात्मक विचार आपके मन में आए, तो इससे आपका मन का भी जो इधर उधर भटकता है वो भी सही हो जाएगा, तो और 20% में फिर आप इन्जॉय करो। तो देखें, ऐसे बहुत ही आसान है 80-20 नियम। मतलब साफ शब्द में बता देता हूँ कि अगर 80-20 का मतलब क्या होता है, कि आप जो गोल बनाए हो, जो भी अच्छा काम कर रहे हो, जो आपका लक्ष्य है या जो भी करना चाहते हो, उस पर 80% दो और बाकी का 20% में इन्जॉय करो। चाहे वो आपको एक्सरसाइज करना है, बॉडी बनाना है, आपको मन को नियंत्रण करना है, आपको कुछ भी करते हो, एक्स वाई जेड जो भी करते हो, तो जो मेन है उसको 80% दो और 20% में अपना जो भी करना है करो, इन्जॉय करना है, मस्ती करना है, जो भी करना है, घूमना है, फिरना है, जो भी करना है करो, फिर देखो आपका 100% करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका काम भी हो जाएगा। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।